ये चांस करो। एफसी कबीर वाला जिंदाबाद। हेलो जी, दो दिन के वक्त के बाद हम दोबारा ग्राउंड में आ चुके हैं, थोड़ा बिजी था इसलिए नहीं आ सका। और आज मैच है केएफसी वर्सेस हज़ारा। केएफसी हमारे कबीरवाला की टीम है, कबीरवाला फुटबॉल क्लब। इनका आज दूसरा मैच है क्योंकि पहला मैच कल ये बराबर करके एक एक पॉइंट के साथ आगे आ चुके हैं, और आज इनका दूसरा मैच है माशाल्लाह। और ग्राउंड बिल्कुल भर चुका है यहाँ पर, क्योंकि ये होम ग्राउंड, केएफसी का होम ग्राउंड है, और यहाँ की आवाम जो है स्पेशल अपने प्लेयर्स को देखने के लिए यहाँ पे आई हुई है। यहाँ पे धुंध भी है, कुछ क्या बहुत ज़्यादा धुंध है, और लेकिन ग्राउंड जो है वो फुल भर चुका है। ये हमारे गोलकीपर खड़े कबीरवाला के, और अभी पहला हाफ जो है वो तकरीबन आधा ख़त्म हो चुका है, बाकी आधा रहता है। दोनों टीमों की तरफ से भरपूर कोशिश जारी है, लेकिन अभी तक कोई भी एक भी गोल नहीं हुआ। दोनों की तरफ से कोशिश जारी है, अभी हज़ारा की तरफ से कोशिश जारी है और बिल्कुल करीब है, लेकिन नहीं। केएफसी भी इतना आसान नहीं होगा। अगर आपने एक और ट्राई के साथ दोबारा, और ये कैसे हो? ठीक ठाक जी, आप सुने? ठीक है, शुक्र अल्लाह, माशाल्लाह जी, बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं यार, अल्लाह आपको इज्जत दे, अल्लाह कामयाब करे। शुक्रिया, नवाजिश। हज़ारा और नौ दो नहीं, हज़ारा अपना पहला गोल कर चुकी है, और केएफसी थोड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं प्लेयर, लेकिन कोई बात नहीं, अभी पहला हाफ है, दूसरा हाफ रहता है, ये भी अभी आधा हुआ है। अगर हज़ारा ने हार दिया तो आंसू बहेंगे, अगर जीत लिया तो खुशी मनाएंगे, जश्न मनाएंगे। इंशाल्लाह हज़ारा टीम जीतेगा, इंशाल्लाह जीतेगा, हमारा दुआ है इसके साथ, दुआ इंशाल्लाह। अगर वो हज़ारा है, हम दुआ करता है। अच्छा, तो ऐसा है कि पहले हाफ में केएफसी जो खड़ी है वो 1-0 से पीछे खड़ी है, हज़ारा का एक गोल हो चुका है, और केएफसी थोड़ी सी नर्वस है, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे जितना क्राउड है वो दोनों टीमों को यहाँ पे सपोर्ट करने आए, क्योंकि केएफसी हमारे ग्राउंड, हमारे कबीरवाले की टीम है, और दूसरी टीम है हमारी मेहमान टीम है, उनको सपोर्ट करना भी हमारा हक बनता है, क्योंकि वो हमारे मेहमान है। कोई बात नहीं, ये मैं केएफसी के टीम के पास आ चुका हूँ, देखते हैं क्या हाल है इनका, और ये पुर उम्मीद हैं, इंशाल्लाह अगले हाफ में सारा कुछ ठीक हो जाएगा। हमारी टीम का है कोच, और इसकी आप बातें सुने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये कह रहा है कि गोल हो गया कोई बात नहीं, हो जाता नहीं, क्या क्या कह रहे थे? देखें जी, गोल लगता रहता है, अच्छी टीमें हारती हैं जीतती हैं, तो हम अच्छा खेल पेश कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम ये गोल उतारेंगे और एक गोल ऊपर करेंगे और अपनी टीम को जीत। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, पहले क्या कहा था, पहले वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, क्या कहा था? डोंट वरी, मुझे कोई टेंशन नहीं, हम वो रिकॉर्डिंग चला दें, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। ये कैंप है जी हज़ारा का, और ये एक गोल के साथ आगे खड़े हैं माशाल्लाह। सारे बटन, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? गोल किसने किया था? दूसरा गोल कर रहा है इन्होंने, दो टच मारो आप लोग, फॉरवर्ड लाइन। अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने आराम से गोल खाया, दूसरा गोल यार, बिल्कुल फारिग, ये भाई दो टच मारो गोल हो जाने, अब भगाते हो बाल। ये भाई जिन्होंने गोल किया, और ये टीम इस वक्त बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन ओए बच गया हूं, लेकिन मसला ये है कि केएफसी अभी थोड़ी नर्वस है, और इसके बाद एक हाफ पड़ा है, और इंशाल्लाह दोबारा मैच में वो लोग भी आएंगे, और ये भी अगला हाफ देखने वाला है, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तमाम जितना भी क्राउड है यहाँ पे, आप तमाम लोगों को देख सकते हैं, और सब भी इंजॉय करें, मैं भी और ये भी। फॉलो वाला करें, और जहाँ भी मिले उसका फोटो खींचें, क्योंकि फोटो खिंचवाने के सब बहुत शौक है। भाई ये जो ग्राउंड की बाउंड्री है ना, इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि अभी बॉल जो वो हमें लग रहा था, ये है अमर भाई, ये कबीर वाला की शान आन, पता नहीं क्या क्या कहूँ मैं इनके बारे में, आप खुद ही बता दो। लोग बना रहे हैं, आ जाइए। ये भाई अमर के कजन है, क्या नाम है भाई? आदिल भाई, आप तला भाई, ये तला भाई हैं, और ये लेजेंड है हमारे कबीर वाला के, आप इसे देखें। ओह माय गॉड, ओहो, एक और गोल हजारा की टीम की तरफ से, और हमारी केएफसी 2-0 के साथ पीछे, बड़े अफसोस की बात है वैसे।
mud disease a plague we all love to hate have to play the game have to make a name all our insecurities हजारा अपने तीसरे चांस के साथ 2-0 पे खड़े हैं और ये प्लेंटी मिली है हजारा को देखते क्या बनता है हो सकता है नहीं देखते हैं क्या बनता है और ये ओए ये जी बैठे हमारे कबीर वाला के लेजेंड क्रिकेट फुटबॉल कोई भी गेम हो इन्होंने नहीं छोड़ी शायद भाई कैसे हैं भाई भाई इधर देख के बताया ना मुझे क्यों देख किसके सपोर्टर थे जी हम हजारा के मैंने पहले क्या कह रहे थे केएफसी केएफसी तो हार चुकी है अब आपको बता रहा हूँ क्या बनेगा हो सकता है नहीं केएफसी ओ नहीं हो सकता है चांस केएफसी के पास और नहीं खत्म ए ये चांस वाला अल्हम्दुलिल्लाह उनके दो और हमारा एक हो चुका है केएफसी का और अभी बाकी सिर्फ टाइम रह गया 10 मिनट में दो और करने और इंशाल्लाह हो सकते हैं क्योंकि हमारे जो लड़के हैं अब थोड़ा तेज़ हो गए हैं देख सकते हैं कि हमारे केएफसी के सपोर्टर कितने मायूस हैं अभी क्योंकि 3-1 के साथ हम बहुत ज़्यादा पीछे खड़े हैं 9 मिनट रह गए बाकी आँखें देखें इनकी कैसे फाड़ी हुई है और ये क्या इतनी मुश्किलों के बाद दूसरा गोल हुआ था लेकिन वो फिर जो है ना गोल नहीं माना गया क्योंकि वो ऑफ साइड हो गई थी और अभी दोबारा चांस है हमारा और हम कर सकते हैं गोल दूसरा गोल और ये और नहीं केएफसी के पास पूरा मौका हैंडबॉल हो चुकी है और केएफसी अपना एक गोल करके मैच को बराबर कर सकते हैं ये क्या ये मेरे ख्याल में कोई लड़ाई शड़ाई हो गई यहाँ पे ये गोल और ये केएफसी अपने एक गोल को दोबारा बराबर करने के लिए 1-2 के साथ ये खड़े हैं और ये हो सकता है क्या होगा और नो चांस खत्म केएफसी 1 गोल से हार चुकी है और दूसरी टीम 2 गोल के साथ आगे थी लीड करके मैच अपना जीत चुकी है लेकिन केएफसी ने बहुत अच्छी कोशिश की है यहाँ पे क्योंकि लास्ट टाइम में जो उन्होंने गोल किया था वो थोड़ा सा हो गया था हाफ जो होता है वो हो गया था लेकिन गोल अच्छी कोशिश अच्छी थी ये लें जी ये लाइट्स बंद हो गई 2 लाइट्स बंद और ये 2 वाली जल रही हैं अभी तो भाई साहब ऐसा है कि केएफसी अपना दूसरा मैच हार चुकी है दूसरी टीम ने 2 गोल और केएफसी ने 1 गोल किया है लेकिन उन्होंने कोशिश अच्छी की थी लास्ट टाइम में और अपना दूसरा गोल कर लिया था लेकिन वो हाफ साइड हो गई थी जिसकी वजह से गोल को कंसिडर नहीं किया गया लेकिन कोई बात नहीं ये मैच बहुत अच्छा हुआ है जितने भी यहाँ पर लोग आए हैं सब ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है और अब दूसरा मैच शुरू होने वाला तकरीबन आधे घंटे बाद शुरू होगा लेकिन हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और धुंध भी बहुत ज़्यादा है कल दोबारा पहला मैच जो है वो केएफसी का है और दूसरा मैच किसी और का है लेकिन हम दोबारा इंशाल्लाह आएंगे यहाँ पे अपनी टीम और दूसरी टीम को सपोर्ट करने के लिए क्योंकि एक तो केएफसी हमारे शहर की टीम है और जो दूसरी टीम है मेहमान टीम है वो भी हमारी अपनी टीम है क्योंकि वो हमारे सिटी में खेलने आई है तो हमने उनको सपोर्ट करना है पाकिस्तान